निजी परीक्षा पेपर लीक मामला अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है। अब तक जहां विपक्ष इस मुद्दे पर प्रदेश की योगी सरकार को घेर रही थी, लेकिन अब पार्टी के अंदर से ही इसको लेकर सवाल उठने लगे हैं। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने इस मामले पर योगी सरकार से सवाल किया। उन्होंने कहा कि छोटी मछलियों पर कार्रवाई से काम नहीं चलने वाला। वरुण गांधी ने ट्वीट किया, यूपी टीईटी परीक्षा पेपर लीक होना लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। इस दलदल की छोटी मछलियों पर कार्रवाई से काम नहीं चलने वाला। उनके राजनीतिक संरक्षक शिक्षा माफियाओं पर कठोर कार्रवाई सरकार करे, क्योंकि अधिकांश शिक्षण संस्थाओं के मालिक राजनीतिक रसूखदार हैं। इन पर कार्रवाई कब होगी? बता दें कि इस पेपर लीक मामले में अब तक 29 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी आरोपियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। तो एक बार फिर से यूपी चर्चा में है, वो भी पेपर लीक मामले में। ऐसा नहीं है कि यूपी में ऐसा पहली बार हुआ, ऐसे पहले भी तमाम पेपर्स लीक हो चुके हैं और सरकार कटघरे में खड़ी हो चुकी है। संदीप द्विवेदी बीजेपी नेता हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप जी, सबसे पहले न्यूज़ बल इंडिया में आपका बहुत स्वागत है। हेलो जी संदीप जी, आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है, बताइए। संदीप जी, पहले तो विपक्ष ही सिर्फ हमलावर हो रहा था, विपक्ष ही सरकार से सवाल कर रहा था, लेकिन अब तो खुद वरुण गांधी ट्वीट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि छोटी मछलियों पर कार्रवाई मत करिए, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। कहां इशारा कर रहे हैं वो? देखिए, मछली छोटी हो या बड़ी हो, सब पकड़ी जा रही है और सब कहीं ना कहीं जेल के अंदर जा रही है। देखिए, पिछली सरकारों ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को का बंटाधार किया हुआ था और जिस तरीके से अफसरशाही और क्लर्किकल और जो सब व्यवस्थाएं थी उनमें जानबूझ के ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं बरीता दी गई, जो कहीं ना कहीं खुल के सरकार के इशारों पे और भ्रष्टाचार और इस तरह की गतिविधियों को प्रमोट करते थे, तो उनको सिस्टम से निकालना इतना आसान नहीं है। कोई जादू की तरह आप उसको एक बार में नहीं निकाल सकते हो, उनको धीमे धीमे ही पकड़ा जाएगा। और सरकार ने प्रायोरिटी के तौर पर सबसे पहले बड़ी मछलियां ही पकड़ी। उत्तर प्रदेश में से पहले भी तमाम पेपर लीक्स हो चुके हैं, तो ऐसा क्यों, इतनी लचर व्यवस्था क्यों है? नहीं देखिए, इसमें मैं कहूँगा लचर व्यवस्था नहीं है। देखिए, मैं आपको चीज बता दूं, सरकार ने पहले बड़ी मछलियों पर ही लगाम कसी है, चाहे जितने बड़े बड़े माफिया थे सबसे पहले उन्हीं पर लगाम कसी गई, बड़े बड़े गुंडे थे उन पर लगाम कसी गई। अब कुछ छोटी मोटी मछलियां भी बची हैं, उनको भी कहीं ना कहीं उन पर भी लगाम कसी जा रही है। अब देखिए, कहावत है ना, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम कहना है, बल्कि प्रदेश की पार्टी के लोग कह रहे हैं ना, बाहर से जो कह रहे हैं, तो देखिए उनकी तो बात छोड़ ही दीजिए, आप ही की पार्टी के लोग कह रहे हैं, तो मतलब दाल में कुछ ना कुछ तो काला है। नहीं देखिए, अब दाल में कुछ काला है कि पूरी दाल काली है वो एक अलग विषय है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार ने बेहतरीन प्रयास किया है और जो योग और जो कहीं ना कहीं काबिल व्यक्ति हैं उन्हीं को सिस्टम में। ये कौन सा बेहतरीन प्रयास है कि स्टूडेंट्स पहुंचे हैं, स्टूडेंट्स को बताया नहीं गया कि पेपर लीक हो गया है, बेचारे इंतजार करते रहे, पूरा मेहनत उनकी खराब हो जाती है, उनका पैसा बर्बाद होता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते, उसके बावजूद भी करते हैं। नहीं, लेकिन इन अभ्यर्थियों ने वो भी दौर देखा है जब चार चार पांच पांच साल कोर्ट के चक्कर लगाए हैं, फिर बाद में जाके अब वैकेंसियां कैंसिल हुई हैं। तो देखिए, उससे बेहतर है कि कहीं ना कहीं समय रहते ही उस पर नकेल कस दी जाए। एक कल को पेपर हो जाता और इन लोगों का रिजल्ट निकल जाता और इसके बाद रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू हो जाती, इसके बाद फिर अगर कहीं ना कहीं ये चीज निकल के आती, फिर अगर उसको कोर्ट निरस्त करती, तो उस तब ज्यादा परेशानी होती है, आज ज्यादा परेशानी हुई। देखिए, सरकार इसकी गलती हुई है। देखिए, मैं गलती को लेकर स्पष्ट बता दूं कि जिस तरीके से पिछली सरकारों ने प्रदेश का बंटाधार किया है उसको सुधारने में समय लगेगा। सरकार ने बड़ी बड़ी मछलियों पर नकेल कसी है और अब छोटी छोटी मछलियां जो थोड़ी बहुत बची हैं। कौन कौन सी बड़ी मछलियां हैं वो थोड़ा सा संदीप जी अगर आप बता देंगे तो? क्यों, आजम खान क्या छोटी मछली थे? एजुकेशन माफिया थे, आप सबने देखा है आजम खान के सारों पर क्या क्या प्रदेश में होता था। अतीक अहमद का छोटा मोटा माफिया था, सब जानते हैं। बड़े बड़े माफिया जेल के अंदर बैठे हैं, तो इसलिए आप देखिए ऐसे माफिया बैठे हैं जिनके अंदर में एजुकेशन माफिया काम करते थे। तो इसलिए मुझे लगता है कि प्रदेश सरकार बेहतरीन प्रयास कर रही है और प्रदेश के लोग ये बहुत अच्छे से जानते हैं। अच्छा, इसलिए लोग क्या कहते हैं फर्क नहीं पड़ता, सरकार अपना बेस्ट करने की कोशिश करती है और जो योग हैं और जिनको सिस्टम में अंदर जाने का मौका मिला, जो लाखों युवा हैं, ठीक है संदीप जी, आखिरी सवाल, जो लाखों युवा हैं उनको किस तरह के जवाब दीजिएगा? आप कह रहे हैं कि सरकार अच्छा काम कर रही है, तो वो तो संतुष्ट नहीं है। सोशल मीडिया पर आप देखेंगे तो बवाल मचा हुआ है। देखिए, लाखों युवा बहुत अच्छे से जानते हैं कि सपा सरकार में किस तरीके से जब रिक्रूटमेंट आपकी सरकार से उम्मीद थी, हर साल रोजगार देने का वादा किया था। आप, मैं आपकी बात कर रही हूँ, पिछली सरकार को छोड़ दीजिए, आपसे बहुत उम्मीद थी। कितनी वैकेंसी पर कोर्ट ने रोक लगा दी, आपके पास है आंकड़ा?
आप आंकड़ों की बात चाहते थे कि हमारी सरकार में आप जाके बाद फिर कोर्ट में परेशान करे। आप मुझे ये बताइए, आप मेरे बात को घुमाइए मत, आप बस इतना बताइए कि आप आश्वस्त कैसे करेंगे। नहीं, तरीका वो अच्छा है कि आप कोर्ट में पहले आप रिक्रूटमेंट हो, आपकी मेहनत हो जाए। ठीक है, आपकी बात से सहमत सर, आपकी बात से मैं सहमत, आपकी बात से सहमत हूँ। बस मुझे ये बता दिए आप किस तरह से आश्वस्त करेंगे लाखों युवाओं को, बस इतना बताइए। देखिए, युवाओं की सहूलियत का पूरा ध्यान रखा जाएगा और सरकार प्रयास कर रही है कि इस एग्जाम को बहुत जल्दी करवाया जाए। और कहीं ना कहीं देखिए, युवा बहुत अच्छे से समझते हैं, जो योग्य है, जो मेहनत करने वाले हैं, उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि उनको कहीं ना कहीं उनकी मेहनत का फल मिलेगा। और जो कहीं ना कहीं इसी भरोसे बैठे थे कि पेपर लीक होगा और हमारे शिवपाल चाचा और रामगोपाल चाचा की कृपा हो जाएगी, वो चिल्लाने के अलावा और कुछ नहीं करेंगे। चलिए ठीक है, संदीप जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सुना आपने, यहाँ पर बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सरकार काम कर रही है, लेकिन युवा जो हैं उनको आप किस तरह से आश्वस्त करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि खुद की पार्टी के ही नेता जो हैं अब सवाल उठा रहे हैं कि छोटी मछलियों पर आप कार्रवाई करने से कोई फायदा नहीं है, बड़ी जगह कार्रवाई करने की